Hello, Vacho. Let us read this given question. So, the given question says that a silver sphere of radius 1 cm and work function 4.7 eV is suspended from an insulating thread in free space. It is under continuous illumination of 200 nanometer wavelength of light. As the photoelectrons are emitted, the sphere gets charge and acquires a potential. The maximum number of photoelectrons emitted from the sphere is

मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला तो हम उसी को एक्स कंसीडर कर लेंगे लेट एक्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो अभी कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं एक्स नंबर तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ स्फीयर वो किसके इक्वल आ जाएगा पोटेंशियल ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू वी इज

अब हमें क्या करना है यहाँ पे ये यह जो एक्स तो पावर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो स्टार्ट करते हैं यू क्वेश्चन क्या होता है ईवी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स इंटू फोर्टीन पॉइंट फोर इंटू टेन एस टू दावर माइनस ए इंटूवी है

तो ये आ जाएगा एक्स इंटू ट्वेंटी थ्री पॉइंट जीरो आ जाएगा यहाँ पे लैमड़ा दो सौ दिया था देख लेते एक बार देखिए लैमड़ा दो सौ नैनोमीटर दिया है तो इसीलिए ये क्या आ जाएगा दो सौ इंटू टेन एस टू दी पावर माइनस क्योंकि नैनोमीटर में बोला है तो और ये माइनस फोर पॉइंट सेवन इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस टू दी पावर माइनस नाइन आ जाएगा राइट right? तो यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी हमारी वन पॉइंट जीरो सिक्स पावर सेवन अब इसको कंपेयर करते हैं कंपेयर विथ ए इंटू टेन एच टू दावर जेड अब आप बताओ जेड की वैल्यू क्या आ गई है Z की वैल्यू आ गई है सेवेन राइट right? तो हमें Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो सर Z की वैल्यू क्या आ गई है सेवेन चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शंस अच्छा ऑप्शन नहीं है इंटीजर टाइप है तो Z इज़ इक्वल टू सेवेन इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल ऑल द बेस्ट